हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन के थ्रू थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जा रहे पिट्स आर्ट डाउनलोड करना है। वो थंबनेल के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। तो पिट्स आर्ट पर जैसे आप जाओगे और जैसे आप जाओगे तो आपको जाना है प्लस वाली रेड पे। देखो प्लस वाला ऑप्शन पे जाना है और बैकग्राउंड पे दबाना है और आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए ये ले लेता हूँ कोई भी। और टूल पे जाना है, फिर क्रॉप पे जाना है, यूट्यूब लेना है और टिक पे दबा देना है। फिर जाना है आपको ऐड फोटो पे और अपनी कोई फ़ोटो ले लो, मैं ये ले लेता हूँ। ऐड वन पे जाना है, फिर जब आपने फ़ोटो ले ली तो ऐड वन पे जाना है और फिर आपको अपनी फ़ोटो को ऐसे करना है। डिटेल्स पे जाना है, रिप्लेस पे जाना है। तो मैं पीछे का अपना बैकग्राउंड बना लेता हूँ, ये हो गया मेरे पीछे का बैकग्राउंड। फिर मैंने टिक पे दबा दिया। अब वापस से ऐड फोटो पे जा रहा हूँ मैं और वापस से मैंने वही फ़ोटो ली और ऐड वन पे दबा दिया। तो आप सोच रहे हो वो पेड़ कहाँ गया, तो फिर इसका मेरे पास आइडिया है। तो आपको जाना है कटआउट पे, तो ये राइड मारा है आउटलाइन, उस पर क्लिक करना है और फिर आपको क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी पर टैप करते जाना है। फोटो पे जो आपकी बॉडी है उस पर टैप करते जाना है और ये आपका रेड कलर आता रहेगा। ये मोबाइल के थ्रू हो सकता है, लैपटॉप में भी हो सकता है। मेरे पास लैपटॉप है नहीं तो मुझे आता नहीं है लैपटॉप से करना। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरा हो गया। फिर जाना है सिलेक्ट पे, फिर जाना पर्सन पे और फिर जाना है आपको प्रीव्यू पे, ऐसी फ़ोटो आईडी। तो फिर उसको प्रीव्यू को वापस टैप करके बंद कर देना है। सेव पे जाना है फिर आपको, और ये देखिए पीछे पेड़ आ रहे हैं, टिक पे दबा देना है। अब आपको जाना है टेस्ट पे आप कुछ भी ले सकते हैं। नाम मैं थोड़ा अपना ठीक कर दूँ। टेस्ट पे जाके बेसिक देखिए, मैं कुछ भी ऐसे मैंने नाम लिख दिया और टिक पे दबा दिया। और ये नाम ड्रॉप कलर कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर रेड कर दिया। फिर आपको जाना है हाईलाइट पे और फिर जैसे वाइट, ये सब यहाँ पे इसमें कलर मिलते हैं। तो मैंने अब टिक पे दबा दिया है ना। तो टिक पे दबाने के बाद तो अब जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट अगर आपने टिक पे दब रहा है तो फिर आपको किसी को सेंड करना है शेयर। तो फिर आपको जाना है वाइटी स्टूडियो पे और ये हमने फ़ोटो ली, इसको ये फ़ोटो है हमारी है ना। तो इसको इस पे जाना है, नहीं इस पर नहीं सॉरी। हाँ, ये हमारी ये है। तो ये मैंने एक वीडियो लिया, जो आपने वीडियो भेज रखी है उस पर आपको टैप करना है और फिर आपको जाना है पेंसिल पे। जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी साइड में एक पेंसिल आ रही, तो आपको उस पेंसिल पे जाना है और आपका आएगा कस्टम। मैंने पहले से ही फ़ोटो लगाई हुई है तो इसलिए मेरा चेंज आ रहा है। अब मैंने जो हमने फ़ोटो बनाई थी जिसका स्क्रीनशॉट लिया था उस पर टैप करना है। तो ये देखिए हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो ये सिलेक्ट है ना। तो अब देखिए सेव पे दबा दिया, अब ये सेव हो रही है। अब हम जाएंगे अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाते ही आपको अपनी आईडी खोलनी है, अपना यूट्यूब खोलना है, अपना चैनल। ओके सो फ्रेंड्स, चैनल पे जो आपने वीडियो ली थी उस वीडियो के इस साइड पर क्लिक करना है। देख सकते हैं मेरी वीडियो आ रही। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये अगर आपका वीडियो नहीं आ रही तो फिर आपको जाना है तीन डॉट पे और एडिट पे जाना है, फिर आपको सेंड पे दबा देना है। तो ऐसे होता है थंबनेल, पहले आपको अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो आपका थंबनेल नहीं बन सकता। अकाउंट वेरीफाई करिए तो वीडियो देख कर और फिर आप मेरी वीडियो से थंबनेल
थंबनेल बनाई है। तो आइए आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना। बाय फ्रेंड्स।